बैक इन मास्टर कैम सीएनसी ले ट्यूटोरियल। मास्टर कैम का ये हमारा जो नंबर 10th वीडियो है, जिसमें अब तक हमने अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप के वर्कपीस और एक्सरसाइज बना करके देख चुके हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस क्या होते हैं, सब कुछ आप समझ चुके होंगे। तो आज ऐसा ही एक ऑटोमोबाइल्स का एक पार्ट बनाने वाले हैं। ये हमारे पास पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया हुआ है, तो आज इसी एक्सरसाइज को बना करके देखते हैं कि किस तरीके से आप इजीली एक ऑटोमोबाइल्स का पार्ट मास्टर कैम के अंदर इजीली बना सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आप समझने वाले हैं कि किस तरीके से इस पार्ट को इजीली बना सकते हैं। इस पार्ट में यहाँ पर एक डायमीटर 13 mm का है, तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको यदि आप देखेंगे ध्यान से, जो 5.337 mm इस पॉइंट से दूरी पर है। तो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि किस तरीके से मैं इस प्रोफाइल को क्रिएट किया जा सकता है, देन इसके लिए अलग अलग टाइप के कैसे ऑपरेशंस बनाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर कुछ ट्रिक्स और टिप्स देखेंगे कि किस तरीके से मास्टर कैम को और इजी तरीके से, कुछ छोटे ट्रिक्स देखेंगे इसमें इजी तरीके से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग में थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले ड्रॉइंग समझते हुए। ड्रॉइंग में जो हमारा वर्कपीस का ओवरऑल लेंथ दे रखा है 38.5 mm, मैक्सिमम वर्कपीस का डायमीटर दे रखा है 14.7 mm, यहाँ पर एक डायमीटर दे रखा है 13 mm का। ये हमारा स्टार्टिंग में नोजल जो है, इसमें स्टार्टिंग में चैम्फर है 1 mm का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 9.5 mm, इस फेस से 8 mm के अंदर की तरफ 2 mm विड्थ का ग्रूव है, जो डेप्थ है 7.5 mm, देन यहाँ से डिस्टेंस है 20 mm, इस फेस से इसकी डिस्टेंस है 18.5 mm। तो इस तरीके से ये हमारी ड्राइंग है, साथ ही साथ जो इसका डायमीटर है वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है 11.807। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, किस तरीके से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राइंग क्रिएट कर लेते हैं, तो आइए समझते हैं ड्राइंग किस तरीके से बना सकते हैं मास्टर कैम के अंदर। यदि आपके पास ये ड्राइंग नहीं है तो हमारे जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में आपको इस ड्राइंग का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली इस ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से डाउनलोड करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट को बनाने के लिए, या कहें कि इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए, सबसे पहले हमें जाना वायर फ्रेम टैब में। वायर फ्रेम में जाना है, रेक्टेंगल लेने के बाद सबसे पहले हमें ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट, और हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे जिसकी जो लेंथ है यहाँ पर हमें दे रखा है 38.5 mm, तो -38.5 mm, एंड जो इसका डायमीटर दे रखा है 14.7/2। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने इजीली एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ से इसकी जो ऑफसेट लेंथ दे रखी है, सबसे पहले सभी लेंथ के अंदर जहाँ जहाँ हमें ऑफसेट दिया हुआ है वो ले लेते हैं। इसके लिए जाना है मॉडिफाई के अंदर जाना है ऑफसेट के अंदर जाना है स्पेस में, और यहाँ से जो डिस्टेंस है सबसे पहले हमारा 8 mm, इसके बाद इसका जो 8 mm से बाद यहाँ से 2 mm डिस्टेंस दिया हुआ है, इस लाइन को क्लिक करेंगे एंड इस तरफ कितना mm है हमारा, एंड सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, फिर से मॉडिफाई के अंदर जाना है एंड ऑफसेट के बाद लाइन सेलेक्ट करनी है, मॉडिफाई एंड ऑफसेट के अंदर आ गए। ऑफसेट के अंदर आने के बाद हमें लाइन सेलेक्ट करनी है जिस लाइन को ऑफसेट लेना है, एंड उस तरफ क्लिक कर देना जिस तरफ हमें ऑफसेट क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे 2 mm की ऑफसेट पे एक और लाइन हमने क्रिएट कर ली है, इसके बाद ओके दबा देते हैं, देन फिर से इस लाइन को क्लिक करना है, एंड जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 20 mm, तो 20 mm का यहाँ से जैसा आप देख पा रहे हैं इस फेस से 20 mm लेंथ पर हमने एक बार फिर से एक लाइन क्रिएट कर ली है। देन हमारा इस फेस से जो लेंथ है 16.5 mm, तो इस फेस पर क्लिक करेंगे एंड इस तरफ क्लिक करेंगे 16.5 mm एंड ओके। तो इजीली हमने यहाँ पर इस लाइन से, इस फेस से 16.5 mm दूरी पर भी एक लाइन
क्रिएट कर लिए हैं एंड एक और लाइन क्रिएट जो करनी है हमें 5.337 mm, तो उसके लिए फिर से मॉडिफाई एंड ऑफसेट में जाएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है एंड इजीली हम एक फिर से लाइन क्रिएट कर लेते हैं 5.337 mm दूरी पर एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। इन सभी लाइंस को क्रिएट करने के बाद अब हम डायमीटर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ जहाँ हमें डायमीटर के अंदर लाइनें क्रिएट करनी है वो सभी लाइंस को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम इजी प्रोसेस करने के लिए मॉडिफाई में जाएंगे एंड ट्रिम एंड ब्रेक, ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड एंड डिलीट पर क्लिक करेंगे एंड जो नीचे की तरफ जो भी आपको लाइन दिख रही है सभी लाइंस को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने से बेनिफिट हमें यह है कि जिस लाइन को हम चाहेंगे वही लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, एक्स्ट्रा लाइंस ऊपर नहीं जाएगी। तो फिर से हम आ जाते हैं मॉडिफाई एंड ऑफसेट। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर दे रखा है 9.5 mm, तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे एंड 9.5 / 2। सिमिलरली इस लाइन को भी क्लिक करेंगे एंड ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे एंड इसे भी ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे और इसका जो हमें डायमीटर दे रखा है वो दे रखा 7.5, तो 7.5 / 2, तो हमने इजीली यहाँ पर लाइंस को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक का हमें डायमीटर दे रखा है वो दे रखा 11.9 mm, तो उसे भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। उसे क्रिएट करने के लिए फिर से जाना हमें ऑफसेट में, इस लाइन को सेलेक्ट करना है, ऊपर की तरफ क्लिक 11.9 / 2, देन इससे भी हमने इजीली क्रिएट कर लिया है। सो इस तरीके से हमें जिस जिस लाइन की ज़रूरत थी या कहीं की रिक्वायरमेंट थी, एक बार इसे और इजी बनाने के लिए हम इस लाइन को भी ऊपर की तरफ ऑफसेट कर लेते हैं। अब जो भी अनवांटेड लाइन है उन सभी को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए ट्रिम, हमें इस लाइन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना इस लाइन की, इस लाइन की, इस लाइन की, देन इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी, इसकी भी। जैसा आप देख पा रहे हैं जैसी हमारी ड्राइंग है वैसा लगभग मोस्टली पार्ट्स दिखाई देने लगे हैं, बट अभी भी हमारा यहाँ पे डायमीटर 13 mm का जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो आइए उसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं समझते हैं। इसे क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे सर्किल एंड यहाँ पर डायमीटर पर क्लिक कर देते हैं 13 mm, देन यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि अभी हमें इसे कहाँ पर क्रिएट करना है, इसके लगभग मिड पॉइंट पर क्रिएट करना है। तो मिड पॉइंट पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मिड पॉइंट, जैसे ही मैं इस पर लेके जाता हूँ ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट यहाँ पर दिखाने लग जाता है, तो मिड पॉइंट पर क्लिक करके छोड़ देंगे। हम चाहे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मिड पॉइंट का ऑप्शन यहाँ से भी ओपन हो जाता है, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। देन जो अनवांटेड है उसे सभी को डिलीट कर देंगे, सो ट्रिम एंड डिलीट एंड डिवाइड एंड डिलीट। यहाँ पर भी जिस जिस चीज़ की जो रिक्वायरमेंट नहीं है उन सभी चीज़ों को हटा देंगे। तो इस तरीके से हमने जैसी हमारी ड्राइंग दिखाई दे रही थी वैसी की वैसी सेम टू सेम हमने अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर लिया है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 13 mm का डायमीटर है या जो भी चीज़ें हैं सेम टू सेम वैसी की वैसी ड्राइंग बन गई है। अभी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 mm का चैम्फर लगा लेना है। चैम्फर लगाने के लिए मॉडिफाई चैम्फर एंड यहाँ पर लिख देंगे 1 mm, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, ओके। देन हमने इजीली लाइन जैसा ड्राइंग के अंदर दिख रहा था वैसा सेम टू सेम कम्प्लीटली वर्क पीस जो है क्रिएट कर लिया है। अब आइए इसके लिए प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो समझते हैं प्रोग्राम किस तरीके से इसके लिए बनाया जाएगा। यदि आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में यदि ड्राइंग नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यदि इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं यदि मास्टर कैम के, तो प्लीज़ बने रहिए। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम इसके लिए। इसके लिए हमें सेलेक्ट करना है मशीन, मशीन में आने के बाद हमें लेथ मशीन पर मैन्युफैक्चरिंग करना, तो लेथ एंड देन ईजिली सेलेक्ट कर लिया हमने। लेथ मशीन सेलेक्ट करने के बाद अब हमें आ जाना है टूल पाथ के अंदर। टूल पाथ में आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में प्लस पर क्लिक करना है, टूल सेटिंग्स में जाना है, जो कैलकुलेशन है वो फीड कैलकुलेशन वो टूल से होना चाहिए और यहाँ पर आपको प्रोग्राम नंबर दे देना है।
जो भी आप प्रोग्राम नंबर देना चाहें एंड असेंस टूल नंबर एंड वार्म अप डुप्लीकेट टूल नंबर। अब स्टॉक साइज में आ जाते हैं, स्टॉक साइज दे देते हैं, स्टॉक साइज में आकर के प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, मेक फ्रॉम टू पॉइंट्स। सबसे पहले हमें देना ओरिजिन पॉइंट एंड देन लास्ट पॉइंट, 38.5 हो गया। अब हम यहाँ पे डायमीटर दे देते हैं क्योंकि हमारा डायमीटर जो है वो है 14 कुछ mm है, 14 पॉइंट कुछ, बार चेक कर लेते हैं, 14.7 mm, तो हमने यहाँ पर दे दिया 14.7 mm। अब हम ले लेते हैं यूज़ मार्जिन, अर्थात कितना mm का मार्जिन है। डायमीटर में हमारा अप्रॉक्स 2 mm का मार्जिन है, या फिर कहें 1 mm मार्जिन है, फेस में भी हमारा 1 mm मार्जिन है और बैक साइड में भी 1 mm मार्जिन है। हम इसे दो सेटअप में क्रिएट करेंगे, तो देखेंगे हम कि दो सेटअप में किस तरीके से क्रिएट करने वाले। देन राइट स्टॉक हटा देंगे, फिट स्क्रीन टू बाउंड्रीज एंड ओके। तो जैसा आप देख पा रहे इसे इजीली, हमारा जैसी ड्राइंग दिख रहा है और स्टॉक साइज दोनों ही यहाँ पे इजीली क्रिएट हो चुका है। अब हमें आ जाना फेस में, ये सभी ऑपरेशंस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे या कहीं बार बना के देख चुके होंगे, तो इसलिए मैं फेसिंग के या जितने भी ऑपरेशंस हैं सभी जल्दी जल्दी बनाने वाला हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्या हो रहा है। यदि किसी भी ऑपरेशन के बारे में डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियोज है उसमें हमने सभी ऑपरेशंस के बारे में डीपली बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टूल सिलेक्शन कर लेना है, फीड दे देना है, स्पेंडल स्पीड दे देना है और साथ ही साथ कमेंट कर देना जो भी हमारा ऑपरेशन है। अभी हमारा जो ऑपरेशन है फर्स्ट सेटअप फेसिंग, साथ ही साथ रेफरेंस पॉइंट हम प्रोवाइड कर देंगे। रफिंग पैरामीटर 0.5 2 mm, क्लियरेंस 1 mm दूरी से, ओवरकट 1 mm, रिट्रैक्ट 1 mm, स्टॉक कुछ भी नहीं रखना है, ओके। इसके बाद हम ले लेते हैं फिर से रफिंग का, रफिंग जो हमारी यहाँ से स्टार्ट होनी है और यहाँ तक चलनी है, ओके। CSS लेते हैं, रफ ओडी, रेफरेंस पॉइंट फिर से दे देते हैं, यहाँ से हमें ले लेना यूज स्टॉक फ्रॉम आउटर बाउंड्री, जितना स्टॉक रखना वो सभी जगह स्टॉक दे देना एंड लीड इन लीड आउट में आकर के लीड आउट दे देना अप्रॉक्स 2 to 3 mm एंड देन ओके पर क्लिक करना है, ओके। तो हमारा रफिंग का पैरामीटर इजीली क्रिएट हो चुका है। रफिंग का क्रिएट होने के बाद फिनिशिंग प्रीवियस ओके एंड फिनिशिंग के लिए टूल ले लेंगे। सपोज हमें नया टूल क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू टूल, जनरल रनिंग टूल, इंसर्ट जो भी हमें लेना है, इंसर्ट DNMG एंड नोज रेडियस जो हमारा 4 का है, तो ये हमारा नोज रेडियस 4 का आ गया। एंड इसके बाद फिर से हम इजीली मिनिमम स्पेंडल स्पीड दे देंगे CSS के साथ एंड यहाँ पर हमारा मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड दे देते हैं और कमेंट में लिख देते हैं जो भी हमारा ऑपरेशन है फर्स्ट सेटअप फिनिशिंग, फर्स्ट सेटअप फिनिशिंग का ऑपरेशन एंड फिर से रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने इजीली धड़ाधड़ तीनों ऑपरेशन बना लिए हैं, रफिंग फिनिशिंग। अब फिनिशिंग के अंदर हमने लीड आउट नहीं दिया है तो लीड आउट में दे देते हैं फिर से एक बार फिनिशिंग पैरामीटर, डेप्थ ऑफ कट वगैरह प्रोडक्शन में जब चलता है तो कुछ भी दे दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लीड आउट में दे देते हैं 2 mm, अर्थात 2 mm ज़्यादा बाहर की तरफ जाएगा एंड ओके। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑपरेशन करना है
ग्रूविंग का, जो ग्रूविंग में यहाँ पर 2 mm का विड्थ है। तो आइए समझते हैं ग्रूविंग किस तरीके से कर सकते हैं। ग्रूविंग करना है एंड मेक फ्रॉम 3 lines से। अब आज ग्रूविंग करके दिखाते हैं कि 3 lines से किस तरीके से ग्रूविंग करते हैं। फर्स्ट लाइन एरो दबा देंगे तो एरो इस तरह से हो जाएगा। सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ओके। लेस देन 3 lines चेन, ट्राई अगेन, ओके। पार्शियल, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो हमने 3 lines क्रिएट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम ग्रूविंग के लिए इंसर्ट ले लेते हैं एडिट, क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है 2 mm है, तो यहाँ पर जो डी की जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दिखा रहा है वो 2 mm का ही इंसर्ट लेंगे। एक बार में डीप करेंगे एंड ख़त्म। तो 2 mm का इंसर्ट ले लेते हैं एंड सब कुछ। और जो हमारा इंसर्ट का नोज रेडियस है यहाँ पर सी में लिखा था, तो 0.2 का इंसर्ट है तो 0.2 लिख देंगे। तो हमारा ऑटोमेटिकली इंसर्ट आ गया। देन फीड दे देंगे, स्पेंडल स्पीड दे देंगे जितना भी रखना है हमें, एंड कमेंट में लिख देते हैं ग्रूविंग। देन रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट, अब हम ले लेते हैं ग्रूव रफ पैरामीटर। यूज स्टॉक फ्रॉम आउटर बाउंड्री से ग्रूव बनाना स्टार्ट करना है तो आउटर बाउंड्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यदि आप कुछ भी रेडियस देना चाहे यहाँ पर तो रेडियस दे सकते हैं। यदि चैम्फर देना चाहे तो चैम्फर क्रिएट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप कोई टेपर एंगल भी देना चाहे तो टेपर एंगल भी इजीली दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हम रफ ग्रूव पैरामीटर के अंदर। अब जब हमें यहाँ पर सीधे सीधे 2 mm का ही ग्रूविंग इंसर्ट है और इसकी थिकनेस 2 mm ही हो, तो यहाँ पर बैक ऑफ को हमें 0-0 करना पड़ता है। अदरवाइज यदि आपने यहाँ पर इसे 0-0 नहीं किया तो आपका अलार्म दिखाने लग जाएगा। बैक ऑफ का अर्थ होता है कि इंसर्ट कट मारने के बाद कितने mm पीछे की तरफ हट रहा है वो चीज़। और साथ ही साथ x और z के अंदर जो हमारा स्टॉक है उसे भी हमें 0-0 करना होगा, अर्थात हमें कोई भी स्टॉक नहीं रखना है। अब ग्रूव फिनिश पैरामीटर में आ जाते हैं। ग्रूव में हमें फिनिश कुछ करना ही नहीं है, ओनली रफिंग ही होगा। आएगा, एक कट मारेगा एंड रिटर्न हो जाएगा एंड देन ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रूविंग का भी प्रोग्राम बन चुका है। जितने mm क्लियरेंस वगैरह रखना वो चीज़ भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा एक सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे सेटअप का प्रोग्राम बनाते हैं। तो दूसरे सेटअप का प्रोग्राम बनाने के लिए अब हमें फिर से इसे चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टॉक फ्लिप का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देख लीजिएगा ध्यान से स्टॉक फ्लिप किस तरीके से करते हैं। स्टॉक फ्लिप पर क्लिक करना है, देन सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आ जाना है, सेलेक्ट ऑल एडवांस्ड, ऑल एंटिटीज एंड सेलेक्शन, देन ट्रांसफॉर्म पोजीशन देना है सेलेक्ट। जो भी हमारी लास्ट पोजीशन रहे उस पोजीशन को क्लिक करना है एंड देन ओके। तो हमारी जो भी लास्ट पोजीशन थी वो आगे की तरफ आ जाएगी, आगे वाली जो लास्ट पोजीशन पीछे की तरफ आ जाएगी। अभी जेड का हमारा जो ऑफसेट है वो इस पॉइंट पर रहेगा और आगे की तरफ हमें फिर से वही सेम टू सेम ऑपरेशन रिपीट करना है। फेसिंग, टर्निंग, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग, सभी ऑपरेशंस को रिपीट करना है। तो यदि हमें सेम ऑपरेशंस को ही रिपीट करना है तो एक इजी आइडिया ये भी है कि मैं अब इस ऑपरेशन को कॉपी कर लेता हूँ, सेम ऑपरेशन को। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने पेस्ट का क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली फेसिंग के अंदर भी प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। देन सभी ऑपरेशन को सिलेक्ट करके फिर से ऑपरेशन करूंगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेसिंग का ऑपरेशन इजीली बन चुका है। यदि इन ट्रिक्स को यूज़ करके आप जो अपना टाइम जो है इजीली सेव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पैरामीटर जो रफिंग में स्पेंडल स्पीड कुछ भी चेंजेस नहीं होना है, तो इस तरीके से आप इजीली टाइम सेव कर सकते। इसी तरीके से मैं रफिंग और फिनिशिंग का प्रोग्राम भी कॉपी करूँगा। फिनिशिंग कॉपी, रफिंग एंड फिनिशिंग कॉपी करूँगा, क्लिक एंड कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसके बाद फिर से मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करूँगा एंड देन पेस्ट। यहाँ पर मैंने रफ फिनिश दोनों ही प्रोग्राम को कॉपी कर पेस्ट कर दिया, बट ये जो प्रोग्राम है इसके नीचे की तरफ आए हैं।
तो मैं फिर से कंट्रोल जेड दबा देता हूँ, या फिर कहूँ कि नहीं, पहला हमारा फेस, देन रफिंग का, फिनिशिंग का, देन ग्रूविंग, स्टॉक फ्लिप। स्टॉक फ्लिप के बाद फेसिंग का प्रोग्राम है, फेसिंग के बाद रफ टर्निंग, रफ टर्निंग के बाद फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद फिर से फेसिंग का जो प्रोग्राम है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये फेसिंग का हमारा प्रोग्राम, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद जो रफ टर्निंग का है, यदि हमें ज्योमेट्री चेंज करनी है तो मैं ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगा एंड राइट क्लिक करके रीचेन ऑल, और मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही जो मेरी ज्योमेट्री है उसे सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूँगा एंड देन ओके। इसी तरीके से मैं फिनिशिंग के लिए भी सेम यूज़ करूँगा, ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगा, सॉरी टूल पर क्लिक हो गया, ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगा, रीचेन ऑल एंड प्रीवियस चेन सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूंगा एंड ओके। इस तरीके से मैंने इजीली जस्ट चेन चेंजेस करना है, क्योंकि बाकी जो भी सारे पैरामीटर है वो सेम टू सेम रहना है। देन सभी ऑपरेशन को सिलेक्ट करना है एंड रीचेन ऑल कर देना है। तो जैसे जैसे कंप्लीट होगा, सभी ऑपरेशन जैसा आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली हो चुके हैं, और जो हमें जैसा वर्क पीस चाहिए था वैसा विद इन ए लिमिटेड टाइम बन चुका है। अब पहले मैं इसे 2D में वेरीफाई कर लेता हूँ। फेसिंग हुआ, रफ टर्निंग भी हो गया, फिनिश टर्निंग भी हो गया है, ग्रूविंग भी हो चुका है, देन स्टॉक फ्लिप हो चुका है, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग भी हो चुका है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर उन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि यदि हम इस ऑपरेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा अभी भी जो है स्टॉक बाकी बचा हुआ, अर्थात यहाँ पे इस स्टॉक को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर में जाना पड़ेगा। पैरामीटर में जाने के बाद प्लंज पैरामीटर में जा करके हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन, कि जो हमारा जो भी डीप के अंदर है वो सभी मटेरियल हमारा रिमूव कर दिए एंड देन ओके। देन मैं इसे रीजनरेट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने रीजनरेट किया तो यहाँ पर इजीली सेम टू सेम बन गया। अब हमारे इसके लिए टूल भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो टूल में पैरामीटर में जाएंगे एंड नया टूल इसे क्लिक कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे इजीली इसने रिमूव कर दिया। सिमिलरली फिनिशिंग के लिए भी मैं फिर टूल चेंज कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू टूल, गेट इंसर्ट। अब इसके लिए जो VNMG टाइप का इंसर्ट हमें लेना पड़ेगा, तो VNMG कि VNMG जो रहता है हमारा उसमें एंगल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो VNMG आ गया ओके। नोज रेडियस जो ले लेता मैं 0.4 का। होल्डर में आ जाता हूँ, होल्डर में जो हम सेलेक्ट करेंगे 3 डिग्री वाला होल्डर्स लेंगे एंड ओके, तो इजीली कट कर देता है देन ओके एंड फिर से रीजनरेट कर लेंगे। इससे हमें बेनिफिट ये है कि हमारे जो भी पैरामीटर में फिर से जाएंगे, क्योंकि हमने इसे प्लंज नहीं किया था नीचे की तरफ, तो पैरामीटर में जाएंगे एंड प्लंज पैरामीटर में आके थर्ड सेलेक्ट करेंगे देन ओके। फिर से रीजनरेट, तो इजीली जैसा आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली जो आपका पार्ट बनना है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मटेरियल नहीं छूट रहा, और कम्प्लीटली पार्ट जैसा हमें चाहिए था वैसा बन चुका है।
तो अब इसे 3D में वेरीफाई कर लेते हैं, क्लिक कॉल प्रोग्राम 3D। में वेरीफाई में थोड़ा सा समय लेगा मैन, तो ध्यान क्या देना है, यदि हमारे सेम टाइप के ऑपरेशन है, रफिंग है या फिनिशिंग है, तो सेम टू ऑपरेशन को कॉपी कर लेना है और चेन को वापस से सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सारे रफिंग के अंदर जो पैरामीटर्स हैं डेप्थ ऑफ कट वगैरह नॉर्मली सेम ही रखते हैं। तो इस तरीके से हमने इजीली इसे प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से क्या प्रोग्राम ऑपरेशंस ख़त्म होने हैं। वेरीफाई कलर कॉम्बिनेशन ताकि सभी ऑपरेशंस अलग अलग कलर में दिखाई दे, एंड टर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशंस दिखा रहा फेसिंग, देन रफ टर्निंग चल रहा है हमारा, रफ टर्निंग चल रहा है, चैम्फर भी हो चुका है, देन यहाँ पर फिनिश टर्निंग ऑपरेशन, फिनिश टर्निंग होने के बाद ग्रू एंड देन स्टॉक फ्लिप फेसिंग, देन रफ टर्निंग ऑपरेशन, रफ टर्निंग होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है फिनिश टर्निंग ऑपरेशन। तो ईजिली इस तरीके से आप जैसा देख पा रहे हैं, जैसा हमें ऑटोमोबाइल्स का ये पार्ट ड्राइंग के अंदर दिख रहा था वैसा का वैसा हमारे सामने पार्ट क्रिएट हो चुका है। इजीली इस तरीके से आप बना सकते हैं कोई भी क्रिटिकल से क्रिटिकल पार्ट भी मास्टर कैम के अंदर। तो अब इसका प्रोग्राम जनरेट कर लेते हैं। प्रोग्राम जनरेट करने के लिए हमें यदि दो अलग अलग सेटअप में प्रोग्राम जनरेट करना है तो जहाँ तक का पहले सेटअप में है उन सभी ऑपरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें इसे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, देन सेकेंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन एंड फोर्थ ग्रूविंग तक का ऑपरेशन। सपोज मुझे ये चार ऑपरेशंस है, चारों को सिलेक्ट करना है एंड G1 पर क्लिक करना है अर्थात जिससे जनरेट होता है, एंड देन ओके पर क्लिक करना है। नो, जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि आपको सेव कहाँ प्रोग्राम करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ हमारा 10th ट्यूटोरियल है, तो 10th एंड देन ओके। जहाँ पर भी सेव करना आप सेव पोजिशन दे सकते हैं, देन विद इन ए सेकेंड हमारा प्रोग्राम जो है जनरेट हो जाएगा। कोड एक्सपर्ट आ चुका है जो कि प्रोग्राम को जनरेट करता है एंड विद इन लिमिटेड टाइम। कोड एक्सपर्ट थोड़ा सा प्रोग्राम को जनरेट करने में समय लेता है, यदि आपका ऑपरेशन या प्रोग्राम लंबा है तो ये थोड़ा ज़्यादा भी समय ले सकता है। साथ ही साथ इसके लिए आप इजीली सेटअप सीट भी क्रिएट कर सकते हैं। सेटअप सीट आप जानते होंगे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यदि आप नहीं जानते तो हमारे कुछ पुराने वीडियोस के अंदर सेटअप सीट बनाने का भी प्रोसेस दिखा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेटअप सीट भी जनरेट करते हैं। आई विश कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप यदि चाहते हैं वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस हो या जिस टाइप की आप वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम आपके लिए वैसी ही वीडियोस बना सकें। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोग्राम बन चुका है, आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखा देता है, पीसी नेम, टूल नंबर, फेस फर्स्ट प्रोग्राम फेसिंग, रफ ओडी, रफ ओडी के बाद ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप, देन फर्स्ट सेटअप फिनिशिंग एंड फाइनली अल्टीमेटली ग्रूविंग का प्रोग्राम। तो सभी ऑपरेशंस बन चुके हैं। जब भी आप प्रोग्राम को रन करें तो उससे पहले आपको यहाँ पर V0 हटा देना है, इस चीज़ को यहाँ पर G50 के अंदर जो लिखा रहता है इसे रिमूव कर देना है, एंड टूल नंबर जो आपका मशीन में लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चेंज कर लेना है। यदि आप समझना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डालने के बाद किस तरीके से मशीन के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं पेन ड्राइव की मदद से, तो उसका वीडियो भी हमने बना रखा है CNC प्रोग्रामिंग, CNC ऑपरेटिंग करके जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई विश कि आपको ये पार्ट कैसे बनता है समझ में आ गया होगा और इसका वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।